ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में आजकल बहुत सारे जिम भी खुल गए हैं और लोग बहुत सारे लोग जिम में जाने लगे हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि लड़कियां महिलाएं भी आजकल एक्सरसाइज करने लगी हैं, जो पहले इतना देखने नहीं मिलता था। सिर्फ जिम नहीं, बाहर भी एक्सरसाइज लोग करने लगे हैं, वॉक करने लगे हैं। थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस लोग होते जा रहे हैं, जैसे जैसे सेडेंट्री लाइफ के लोगों को नुकसान पता चलने शुरू हुए। लेकिन अभी भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमारे आम रोजमर्रा के जीवन में, इवन मेरे अपने परिवार में मैं देखता हूँ, डॉक्टर्स की फैमिली में देखता हूँ कि एक्सरसाइज को लेके बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं, और कुछ तो खुद डॉक्टर्स फिजिशियंस जो हैं वो भी गलतियां कर रहे होते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड। बड़े बड़े सर्जन्स कर रहे होते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड गलतियां, तो उन पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। कुछ जो मैंने नोटिस की गलतियां, वो यदि आपको पता हो तो आपके हेल्थ के रिजल्ट्स बेहतर होंगे और लॉन्ग रन में फायदा होगा। एक गलती, जैसे मैं यंग लोगों के लिए बता दूं पहले, या किसी भी एज में एप्लीकेबल है, वह ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग का अर्थ है कि कई लोग मसल्स बिल्ड करने के लिए जिम में, आपने देखा होगा बहुत बार, कुछ लोग तो दो दो बार एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या बहुत ज्यादा ड्यूरेशन दे रहे होते हैं। मेरा एक दोस्त है जो कि खुद डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, बट वो खुद बहुत बहुत देर तक एक्सरसाइज करता है, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे। यदि आप एक नेचुरल बॉडी बना रहे हैं, इनहेंस नहीं है, जो इनहेंस का और कोई स्टेरॉइड स्टेरॉइड नहीं ले रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग से आपकी मसल्स को और जॉइंट्स को, टेंडन्स को नुकसान ही पहुंचेगा, क्योंकि रिकवरी भी चाहिए होती है। बेसिकली जिम में आप मसल्स नहीं बनाते, मसल्स को बर्बाद कर रहे होते, मसल्स को तोड़ रहे होते हैं, और फिर हमारी बॉडी जो है उसको रिजनरेट करती है। बॉडी को ये मैसेज जाता है, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, बॉडी को ये मैसेज जाता है कि इस व्यक्ति को सर्वाइवल के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, ज्यादा ताकत चाहिए, इसको कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए वो, उसको लड़ने की जरूरत है, बहुत ताकत की जरूरत है। तो रीबिल्ट होती है मसल्स, मसल्स में हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी होती है, मसल फाइबर्स की संख्या भी बढ़ती है और उनके एनलार्ज होते हैं। इस तरह से रिकवरी करती है मसल, और रिकवरी के लिए जरूरी है रेस्ट। रेस्ट चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए रेस्ट। जैसे अब मैं अराउंड 50 ईयर्स का हूं, तो मुझे हो सकता है कि 2 दिन तक रेस्ट देना पड़े, 1 दिन के अच्छे मसल और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद। तो एक गलती जो यंग लोगों में मुझे दिखाई देती है कि ओवर ट्रेनिंग, कई बार सातों सातों दिन कर रहे होते हैं। स्लीप अच्छी लीजिए, नींद अच्छी लीजिए, रेस्ट लीजिए, और साथ में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को प्रॉपरली लेना जरूरी है। यदि सप्लीमेंट मींस नॉर्म डाइट की बात कर रहा हूं मैं, डाइट जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सही अच्छी क्वालिटी के फैट ये सब हो, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ हो, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिससे कि आपकी बॉडी जब रेस्ट फेज में है तो प्रॉपरली मसल्स को और अन्य टिश्यूज को रिपेयर कर सके। तो एक गलती ओवर ट्रेनिंग है ना। दूसरी, मेरे एज ग्रुप या मेरे से थोड़े और छोटे जो 35-40 ईयर्स के एडल्ट्स जो होते हैं, फीमेल्स या मेल्स दोनों ही कर रहे होते हैं, वो ये कर रहे होते हैं कि वॉक वॉक वॉक, उनका एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग, बहुत सारी वॉकिंग करेंगे, या फिर बहुत सारी साइकिलिंग करेंगे, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, और जीरो जीरो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। देखिए, हर तरह के एक्सरसाइजेस के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं और डिफरेंट नुकसान भी हैं। आप एक ही तरह का एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, दूसरे को सप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको नुकसान हो सकता है। जब भी आप बहुत ज्यादा वॉकिंग, रनिंग या साइकिलिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कार्डियो कर रहे हैं, ध्यान रखें कम से कम हफ्ते में 2-3 दिन थोड़ा सा मसल स्ट्रेंथ या वेट ट्रेनिंग के लिए जरूर दीजिए। साथ ही साथ में स्ट्रेचिंग के लिए जरूर समय दीजिए। कई लोग सिर्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जैसे कि योगा के डिफरेंट पोजेस, तो ये भी उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि यदि आप किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं भले ही थोड़ा, लेकिन एक वो व्यक्ति जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, स्टिल यू आर डूइंग मच बेटर देन इट। यहां तक की रिसर्च है, यदि कोई स्मोकर है और वो एक्सरसाइज करता है, बजाय उसके कि जो कभी एक्सरसाइज नहीं करता, स्मोकर विथ एक्सरसाइज वाले की लॉन्जेविटी ज्यादा होने की संभावना है। ठीक है, एक ओबीज है, बहुत मोटा व्यक्ति लेकिन एक्सरसाइज करता है वो, एक बिल्कुल नॉर्मल बीएमआई का व्यक्ति लेकिन एक्सरसाइज नहीं करता, उसके ओवरऑल लॉन्जेविटी की संभावना ज्यादा है। तो इसलिए एक्सरसाइज को तो जरूर अपने पार्ट, अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। इससे बहुत सारे एंडोर्फिन्स भी सीक्रेट होते हैं, जिससे हमें डिप्रेशन और एंजाइटी से भी बचाव मिलता है। तो जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद हो, मुझे सबसे ज्यादा खेलना पसंद है, कुछ ना कुछ,
तो कोई गेम यदि हो तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि गेम्स में ना जब हम कॉम्पीट कर रहे होते तो हंसी भी आती है। अब देखना कोई ना कोई, जैसे टेबल टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट होते हैं जब हम हंस 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 के लोटपोट हो जाते हैं। तो ये जो फायदा है एक्सरसाइज का, इसको क्यों खोना, कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अब बात आती है कि अगली बात मैं करूंगा, डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे किसी को अपना वेट यदि कम करना है, किसी को बढ़ाना है, किसी को मसल, इस पर भी मैं एक वीडियोस की सीरीज बनाते जाऊंगा, बशर्ते कि आप इसे शेयर करें और ज्यादा लोग इसे देखें। नहीं देखेंगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। मैं यदि ज्यादा लोग को बेनिफिशियल लगता है तभी बनाऊंगा। और मेरा कोई भी ना तो कोई ऑनलाइन प्रोग्राम है ना कुछ है, ना तो मैं अपने क्लिनिक का एड्रेस कर किसी को बताता हूँ इन वीडियोस में। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप लोग सही रहें, बस मैं इतना चाहता हूँ। सही नॉलेज अब तक मिलता रहे, बस मैं इतना चाहता हूँ। भ्रांतियों से दूर रहें, इतना मैं चाहता हूँ। मेरा एक नारा है जो मैंने इस चैनल को बनाते समय भी किया था, स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र। थैंक यू वेरी मच।